श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। इन अशुभ कर्म ने गिरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चांग रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबरी पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रिमाचर विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टकम् दहनाय धूपम निर्वपामिते। अरे घूमत घूमत आगे विद्यासागर जी नगरिया हो, घूमत घूमत आगे विद्यासागर जी नगरिया हो, भूल से ले ले गुरु ने हमरी खबरिया हो, भूल से ले ले गुरु ने हमरी खबरी। वो भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाल, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना, पाना था जिनके द्वारा वह मिल मेटा मुझे ठिकाना है। ओम रिमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। अरे प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब शान तुम्हारी, प्यारे प्यारे गुरुवर मेरे अजब शान तुम्हारी, कभी हमारी नगरी आओ बोले जनता सारी, मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे गुरुवर की जय जयकार। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ, भव भव भटक भटक के गुरु में आया शरण तुम्हारी, दो आशी कृपा कर हम भी बने संयम धार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, प्यारे गुरुवर की जय जयकार। ओम रिमाचार भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ओ मीठे रस से भरोरी गुरु वाणी लागे, जिने वाणी लागे मने प्यारो प्यारो, गंगा जी नो पानी लागे, भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया, ये तपो मूर्ति है आराधक योगी स्वर्गे महास है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसा। ओम रिमाचर भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय साक्षात विराजमान है, तीन के चरण में मन वचन काय से जल प्रलादि महार्गम निर्वपामिति। जय हो देवादि देव एक हजार श्री शांतिनाथ जिनाल जिनाला में विराजमान, हम सभी के पुण्यों की अनुमोदना से भव्याति भव्य पंचकर्णक महामहोत्सव यहाँ पर होने जा रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के आशीर्वाद से हम सभी को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इस भव्य जिनालय में हम यहाँ पर पंचकर्णक महामहोत्सव देखेंगे। यहाँ पर आप सभी के पुण्य की अनुमोदना करने के लिए पूरी कमेटी तैयार है, पूरे भारतवर्ष से पूरे छत्तीसगढ़ से आप सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है कि आज से होने वाले इस भव्याति भव्य पंचकर्णक महामहोत्सव में आप सभी अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं। हाँ, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री नायक जी नायक परिवार आ जाएं और हमारे माता पिता परिवार की ओर से भी। जिन वाणी माँ बोलती हाय, जिन वाणी माँ बोलती शाकाहार ही आहार है, जान के पानी ना पिया हाय,
छान के पानी ना पिया तू नर्तन ये बेकार है। कुछ गुरुदेव के शिक्षणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन, सभी कर्मों के निर्जरा के लिए सुमंगल आशीष देने की महति कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मोगनी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जय सुशासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, चौबीसों भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले तप साधक मुनि चंद्र प्रभ सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज से यहां महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। पंचकालिक प्रतिष्ठान यहाँ सभी मिलकर के आप लोग करना चाहते हैं और उसमें आचार्य महाराज भी उनके साथ हम लोग भी शामिल हो गए। जय हो। अब इसका महत्व क्या है, आचार्यों ने शास्त्र में लिखा है, जो जिनालय बनाया आप लोगों ने ये पाषाण का अति सुंदर है। जिनालय बनाना इसको पूजा का शास्त्र में क्या कहा, जिन मंदिर बनाना ये भी पूजा है। पूजा में दो प्रकार के होते हैं, नित्य पूजा नैमित्तिक पूजा। ये नैमित्तिक पूजा है, प्रतिदिन जो करते हैं आप लोग वो नित्य पूजा, ये भी नैमित्तिक पूजा है। जिनाले मंदिर बनाना, वेदी बनाना और बिंब बिठाना, पंचकलन करना, ये पूजा है, ये कभी कभार होते हैं, ये नैमित्तिक पूजा है। इसलिए आचरण का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो समष्टि है समूह, इसको मोक्ष मार्ग कहा। मोक्ष मार्ग के लिए ये निमित्त है। बहिरंग कारण अंतरंग कारण जो निमित्त है, इसके माध्यम से कार्य घटित होता है। ये बहिरंग निमित्त है। जिनाल में आने के बाद आप लोग परिणाम विशुद्ध होते हैं, बाहर जाने के बाद विशुद्ध विशुद्ध नहीं होते, लेकिन मंदिर में आते सारा संसार भूल जाते हैं। और क्या बोलते हैं, निस्संग होम जिनानाम सर्वपम बोलते हैं ना, निश्चय निश्चय कर आते आप लोग और घंटी बजाते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, नमो अरहंतानम, उस समय सारा संसार भूल गया, कुछ ध्यान में रहता नहीं। उस समय जो आपने पुण्य बंद किया वो करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी पुण्य मिलेगा नहीं, ऐसा पुण्य होता है। वैसे जिनाले वन का महत्व इतना बता दिया क्वेश्चन आचार्य ने, तत्व विचार ग्रंथ में लिखा है, धनिया के पत्ते इतने मंदिर बनाओ, सरसों के इतना जो भी छोटे प्रतिमा बिठाओ, इतना भी करते हो तो देवेंद्र पद प्राप्त हो सकता आपको। तो वो तो देवपद को प्राप्त करेंगे, लेकिन इतने जो भी विशाल मंदिर बनाया, बिंब बिठा रहे, पंचकला कर गए, उनके पुण्य के बारे में हम क्या बताएं, कौन वर्णन कर सकता है। निश्चित रूप से वो तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये निश्चित है। अपने धन का, शरीर का, समय का और बुद्धि का सब सदुपयोग किया उसने। जो व्यक्ति धर्म के लिए करता है वो धर्मात बन जाता है, संसारी करता है वो संसारी बन जाता है। ये नियम है, जिस दुकान में जो मटेरियल है वही मिलेगा आपको। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो तीनों जो समष्टि है, समूह है, इसको मोक्ष मार्ग कहा। मोक्ष पर्व लगने से भी मोक्ष मिलता है, और जब तक मोक्ष मार्ग पर रास्ते पर खड़े नहीं आप, तब तक मोक्ष कैसे मिलेगा, मंजिल कैसे मिल सकता है। तो सम्यक दर्शन क्या है, सद्धांत रखो, रुचि रखो, उसके प्रति प्रतीत रखो, ये जो भी दान है किसके प्रति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनके प्रति जो आप यदि सद्धांत रखते हैं, प्रति रखते हैं, ये सम्यक दर्शन कहा जाता है ना। फिर इसका अभिव्यक्ति कैसे होती है,
दिखाने की चीज है क्या? नहीं है। अभिव्यक्ति कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान के जो मंदिर बनवा, जिन बैठाओ, पंचकरण करो, पूजा करो, अर्चा करो, स्तुति करो, अर्चन करो, नाम लो, नामस्मरण करो, इसके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो इसी को सबको मिला करके समूह में ये भक्ति कहा जाता है। आप लोग क्या करते हैं? हम भक्ति कर रहे हैं, इसी को जो भी भक्ति कहा जाता है। इसके अलावा कोई भक्ति है? नहीं है, होती नहीं है। यही भक्ति आपकी, अर्चना करना, पूजा करना। आप देखो अभी भोजन भजन बोल रहे थे, आप लोग ताली बजा रहे थे, उसी में मग्न हो रहे थे। तो इसका भगवान की जो भी भजन करना, पूजन करना, स्तुति करना, वो एकाग्रता होता है उसमें, वही भक्ति है। इसके अलावा भक्ति नहीं है। और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति जो भी भगवान बनता है। भक्ति जो आपके हाथ में है तो एक हाथ में मुक्ति है। क्या है? एक हाथ में भक्ति है और एक हाथ में मुक्ति है। लेकिन आज वर्तमान में एक हाथ में नुक्ति है और एक हाथ में मुक्ति चाहते हैं। नुक्ति नुक्ति है, सुन रहे क्या? नहीं, नुक्ति का अर्थ क्या होता है? बूंदी बूंदी। हाँ, बूंदा बूंदी नहीं, बूंदी की लड्डू। हाँ, इसके माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती है, भगवान नहीं बन सकता हो। एक हाथ में भक्ति है, ये कर्मकांड में दिया, जीव कांड जो कर्मकांड में दिया गोबर सार में वगैरह। आचार्य मदन क्या कहा? देखो लोग कहते हैं संयम ले लो, नियम ले लो, व्रत ले लो, और आप जो भी अन्य दान वगैरह करो, इसके में मुक्ति मिलेगी। आचार्य मदन कहते इससे मुक्ति मिलती नहीं, त्याग तपस्या नहीं, किससे मिलते? भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति करोगे, ये सब करते हो, आपके पास भक्ति है तब मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जो आप ये कर रहे हैं, ये पूजा अर्चा वगैरह, इसका क्या महत्व है? इसको भक्ति कहा जाता है। भक्ति भक्ति करके एक दिन भगवान बन जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और आप भक्त बन गए, भक्ति कर रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन आप लोग भी क्या बनोगे? भगवान बनोगे। एक दिन भक्ति से नहीं होती, ध्यान रखना। एक दिन भक्ति करके छोड़ दिया, ताली बजा करके नहीं बनेंगे। आपने जिनाइल बनाया तो उसमें प्रतिदिन पूजा कौन करेगा? पूजा कौन बनेगा? आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि पूजा के भी चार अंग है। पूजा नहीं, पूजक, पूजा का फल, और पूजन, और जो भी पूज्य। जो पूजक आप है, पूज्य कौन है? भगवान है। पूजा क्या है? भगवान की गुणगान करना, स्तुति करना, पूजन करना, और जो फल क्या है उसका? उन जैसा बनना। ये चार भेद है उसमें। आराध्य आराधक, आराधना आराधना का फल। आराध्य आपके भगवान है, आराधक कौन है? आप है। आराधना करना, उसका गुणगान करना है? नहीं नहीं, नाम तो अलग है, नाम से कुछ होता नहीं, समझे? नहीं तो आप कहेंगे महाराज हमारा नाम ले रहे, आपका नाम नहीं है। गुणगान करना ये आराधना है, भगवान के जो गुणों का गुणगान करना ये आराधना है, वो आराध्य, आप आराधक है। और फल क्या? उन जैसा बनना, भगवान बनना, ये जो भी उसका फल है। इस प्रकार इसका फल मिलता है। इसमें स्वामी समुद्र महाराज ने शास्त्र में कहा, क्या कहा? जिन पूजा करने से देवेंद्र पद प्राप्त हो सकता है, चक्रवर्ती पद प्राप्त हो सकता है, इतना नहीं तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो सकता है, इसके साथ साथ अंतिम में मुक्ति भी मिलती है, ये जो भी स्वामी समुद्र महाराज ने कहा। आचार्य ने जो कहा उसको हम बता रहे। तो एक आचार्य ने कहा, पद्मनी आचार्य, पद्मनी आचार्य ने, जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता नहीं है, पूजन करता नहीं है, नामस्मरण करता नहीं है, मंदिर जाता नहीं है, मंदिर निर्माण करने में सहयोग देता नहीं है, साधु संत आ गए इनके जो भी सेवा करता नहीं है, उनके पास जाता भी नहीं, समझ ले मान लेना वो जो भी पत्थर के नाव के ऊपर आरूढ़ है और कुछ समय में वो डूबने वाला है, दुर्गति प्राप्त होने वाला है। तो सदगति के जाने के लिए ये मार्ग आपके लिए, कोई सदगति देता नहीं, देवपद कोई देता नहीं, पुण्य कोई देता नहीं, लेकिन निमित्त को लेकर के आप लोग उसका अर्जन कर सकते हैं। स्वयं अर्चन करना पड़ता है, स्वयं जब उसका संग्रह करना पड़ता है, स्वयं जाना पड़ता है, तो उसके माध्यम से आपका कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई कल्याण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान भी उपदेश दे सकते हैं, गुरु भी उपदेश दे सकते हैं,
साधु संत उपदेश दे सकते हैं, लेकिन कल्याण करने वाला कोई नहीं है। चलना अपने को है। आप यदि सुन करके मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता, अन्यथा नहीं है। क्योंकि भगवान के मंदिर जाने का सोचा आपने, विचार किया, मंदिर जाना ये भी धर्म ध्यान का मूल हेतु ही कहा। आचार्य ने क्या कहा? धर्म ध्यान का सशक्त हेतु है। धर्म ध्यान क्या बैठ कर आँख बंद करके बैठना ध्यान है क्या? नहीं, ये भी जो भी ध्यान है। और उसको जो भी घर में आप बैठे बैठे सोच रहे अभी मंदिर जाना है मुझे, चलो मंदिर जाने की ओर मुड़ गया, ये भी शुभ परिणाम है, आत्मकल्याण का मार्ग है और वो कार्य सिद्धि का अंग है का भगवती आदि में दिया, अन्य ग्रंथों में दिया, उसके माध्यम से आपका कल्याण होता है। कम से कम सोचो तो सही, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, इतना आकुलता हो रहे हैं तो आप पुण्य बंद कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। और मंदिर क्या जाना, समय मिलता नहीं, मंदिर के जाना समय मिलता नहीं, हमारा धर्म का ये घर कार है, ये सोच रहे हैं, आर ध्यान है, आर ध्यान के माध्यम से 3 इंच में जाओगे। सुन रहे क्या? नहीं, घर के दुकान के मकान के जो भी काम आप सोच रहे हैं ये आर ध्यान है। मंदिर में तो कल देखेंगे, आर ध्यान के उस समय आयु क्रम बंद हो गया, 3 इंच में चले जाओ। अब जाना कि 3 इंच में जाना है तो घर की चिंता कर सकते, दुकान की चिंता कर सकते, मकान की चिंता कर सकते। यदि आपको आत्मकल्याण करना है, मंदिर के बारे में सोचो, वेदी के बारे में सोचो, बिंब के बारे में सोचो, पूजन के बारे में सोचो, अर्चन के बारे में सोचो, स्तुति के बारे में सोचो, गुणगान के बारे में सोचो, भगवान का स्मरण करो, गुरु की स्मरण करो। यदि इसमें स्मरण कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे पुण्य बंद कर रहे हैं आप, ये आपका धर्म है, धर्म ध्यान है। लेकिन उसको तो स्मरण करते नहीं। हाँ, ये स्मरण करते हैं, क्या है, इतना दिन हो गए, इतने दिन हो गए, 9 दिन हो गए, महाराज आए नहीं, क्यों, क्या है, महाराज आए नहीं। और प्रवचन के ऊपर प्रवचन देते हैं, माइक के ऊपर बड़े बड़े प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े खड़े रहे हो, हम लोग खड़े हैं, महाराज को दिखते नहीं क्या? हम दिखते हैं क्या? नहीं, अरे आते तक नहीं, देखते तक नहीं, हमारे देखते तक नहीं, ये तो अवश्य करते आप। लेकिन प्रतिदिन आप चौका लगा रहे शुद्धि के साथ, आज नहीं कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, आएंगे तो सही, एक दिन आएंगे, यदि भाव कर रहे तो प्रतिदिन पुण्य बंद कर रहे आप। साधु आए ना आए, साधु आए या ना आए, यदि आप शुद्ध भोजन बना रहे, द्वार प्रेक्षण कर रहे, अपने घर के सामने खड़े होकर के द्वार प्रेक्षण कर रहे, साधु आए न आए, आपको तो पुण्य लगेगा लगेगा। इसके लिए जो शास्त्र में दिया है, इसको मुनि बेला नियम कहा जाता है। मुनि बेला नियम, 10 बजे तक शुद्ध भोजन करके, साधु के लिए चौका लगाना नहीं, आप शुद्ध भोजन बनाओ और 10 बजे तक खड़े रहो आंगन में, कोई साधु है तो पड़गान करके हार दे दो, यदि नहीं तो आप भोजन करो, आपको पुण्य उतने लगेगा, पड़गान करके हार दिया उतने। ये पूजन है, अर्चन है, ये जिनबिंब है, ये जो मंदिर में बैठ रहा है बिंब जिनबिंब है, वो पाषाण की है, उसके संस्कार किसने किया है? किसने किया? साधु ने किया, क्योंकि इनके ऊपर संस्कार किसने किया? आचार्य महाराज ने किया। जब दीक्षा हो गई उस समय संस्कार किया क्या? नहीं, तो उस पर मार्ग पर चल करके आचरण करके उसके ऊपर संस्कार किया जाता है, अंकन्यास किया जाता है, बीजारोपण किया जाता है। वो पाषाण के ऊपर जो भी प्रतिमा के ऊपर जो बीजारोपण किया गया, अंकन्यास किया गया, गुणों का पुंज है। हम किसी पाषाण की पूजा नहीं करते, गुणों की पूजा करते हैं, क्योंकि वंदे तदगुण लब्धि, गुणों की प्राप्ति करने के लिए गुणों की पूजा करते हैं, गुण प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए इसकी पूजा किया आपने, प्रगण किया, आए न आए तो आपको पूजा तो हो ही गया। इसमें सभी दान होते, चारों प्रकार दान होते, आहार दान हो गया, औषध दान। आप पूजा करते उस समय क्या बोलते? क्षुधा रोग निवारण है, एक क्षुधा रोग है, उस रोग के लिए आप आहार दे, भोजन दे रहे, ये औषध है, तो औषध दान हो गया। और इसके अभय दान, भूखा मरता है, भूखा व्यक्ति मरता है,
आपने आहार दान दे दिया, उनको बचाया, अभयदान भी हो गया। आहार देते साध्य करता है, साधु तप करता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान दान भी होगा आपका, और आहार तो दे रहा, आहार दान भी होगा, चारों दान हो जाते हैं। या आए या ना आए इसकी सवाल नहीं है, लेकिन आप भक्ति के सवाल है। प्रतिदिन शुद्ध भोजन करके बनाओ, घर के सामने खड़े हो जाओ, आपको मिलेगा मिलेगा, साधु आए या ना आए। आप दर्शन करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, साधु आशीर्वाद दे या ना दे। हमारे तीर्थंकर किसी को आशीर्वाद देते नहीं, भगवान के पास जाते आप लोग प्रतिदिन पूजन के लिए, भगवान के लिए बोलते क्या, हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे दो, इतने दिन से आ रहे हैं, एक दिन भी आशीर्वाद देते नहीं, आप बोलते क्या? साधु के पास आने के बाद क्यों बोलते हो? महाराज आशीर्वाद दे दो, अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दो, महाराज अच्छी तरह से आशीर्वाद, महाराज देखते भी नहीं, जोर जोर से बोलते हैं, तुम दर्शन तो करो ना, अच्छी तरह से दर्शन करते नहीं, केवल छाती पीटते रहे, महाराज आशीर्वाद दे दो, इससे क्या होता है? आप अच्छी तरह से दर्शन करोगे आपको तो पुण्य मिलेगा मिलेगा, आशीर्वाद दिया ना दे आपको मिलेगा, तो अपने ऊपर है। ये भक्ति के लिए किया जाता है, और ये भक्ति के निमित्त है, जिन मंदिर वेदी जिन बिंब ये पूजा वगैरह इसके लिए निमित्त है, वो निमित्त समित के लिए भी कारण है। उस समित बनने के बाद आप भक्ति करके एक दिन आप उस भक्ति के माध्यम से भगवान बन सकते हैं। और उसमें दो प्रकार के लोग आप पूजा करते हैं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा में क्या करते हैं? दिव्य नानेन, दिव्यन गंदेन, दिव्यन अक्केन, दिव्यन पुप्पेन, दिव्यन दिव्यन, दिव्यन दुव्यन, दिव्यन वासेन, ये आठ दिया। क्योंकि कुंद कुंद ने भक्ति पाठ में दिया, बोलते भी आप लोग, दुख को कम को बोला सुगनम समावरण जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, बोलते क्या नहीं? दिव्य स्नान, इसका मतलब अभिषेक करते हैं ना आप लोग, पूजन करते हैं उस समय दिव्य स्नान करते क्या? प्रासुक जल, उसको दिव्य कहा। जैसे देखो अब पंचकरण होना है, देवलोग आते हैं, देवलोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान की, करते क्या नहीं? क्षीर सागर तक उनका लाइन लगती है, क्षीर सागर समुद्र, कौन सा समुद्र है? पांचवा समुद्र है वो, तो उस समुद्र से क्यों लाते पानी? कारण क्या? ये पास में है ना, यहाँ पर पास भी है, तो समुद्र का पानी क्यों लाते हैं? आप श्रावक है, पानी छानते हैं, वो श्रावक नहीं है देवलोग, सुन रहे क्या नहीं? वो पानी छान नहीं सकते, प्रक्रिया नहीं उनके पास। और वहाँ जो भी क्षीर समुद्र में त्रस जीव नहीं है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय पंच इंद्रिय त्रस जीव नहीं है, त्रस रहित जीव जो भी है वो आपका प्रासुका है, दिव्य कहा। और यहाँ जो आपका त्रस जीव है, आपके पानी में कुएं के पानी हो, नदी के पानी हो, तालाब के पानी हो, तो उसको आपको छान कर लेना पड़ता है। त्रस जीव से रहित होकर के प्रासुक जल से आप पूजा करो, अभिषेक पूजन आदि, इसको जो भी दिव्य स्नान कहा। दिव्य न गंध देना, दिव्य गंध कहा, सुगंधित गंध चंदन, उसके लिए पुष्प करते आप, दिव्य पुष्प, इसका जीव जंतु रहित, उस पुष्प को लवंग को चढ़ा देना आप लोग, बाकी जो अन्य वस्तु है पुष्प वगैरह में जीव जंतु रहित का उसको दिव्य का। दिव्य अत्यन अक्षत अखंड अक्षत, आप लोग तो बासमती खाते हो, अरे भगवान के मंदिर में चूर करके लाते टुकड़े लाते क्या नहीं? भगवान पूजन के चावल अलग और खाने के चावल अलग, तो आपको फल में भी अलग अलग मिलेगा, आपको पुण्य जो भी टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। आगे दिव्य दीप चरु नैवेद्य चरु के, क्योंकि ये नैवेद्य क्यों करते आप लोग? सुधार निवारण हो, चटक चढ़ाते, चटक चटक से निवारण होता है क्या? अरे चटक खाने से निवारण होता है क्या भोग? उसका प्रतीक चढ़ा रहे आप, हे भगवान प्रतिज्ञा उनके सामने, हे प्रभु कहते हो, आपने तो नैवेद्य अन्न को छोड़ दिया, अनशन किया, उपवास किया, क्षुधा को मिटा दिया, हम भी एक दिन आप पूजन करके उपवास करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। यहाँ तो आप
नैवेद्यम यूरोपीय में सब बोलते हैं और घर में जाकर डबल खाते हैं, तो कैसे होगा? एकासन तो करो, ये है। और उसके बाद आप क्या है, दीप, दिव्य दीप घी का लगाते कि नहीं आप लोग, जो धुआं रहित होते हैं दीप, और उसके बाद धूप, वातावरण शुद्ध होता है, और उसके बाद क्या है हल, इसका मन दिव्य वासन का दिव्य वास, मोक्ष में जाकर स्थान में वास करना, ये दिव्य वास करने के लिए उसका प्रदीप फल चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार आप लोग भी ये 6 दिन में 7 दिन में 15 तारीख तक ये जो भी मनुष्य जो भी व्यक्ति महामानव कैसे बनता है, ये पूजा के माध्यम से बन जाता है, पूजा की पूज बनता है, इस प्रक्रिया को देखते हुए आगे आप लोग बढ़े और उसको अपने जीवन में उतारे, सबका कल्याण हो, इसी भाव साथ बोले महावीर भगवान की। नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक गिलास है, प्याला कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसमें ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा, है बतासा, तो वह मीठी है, उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके उसके भीतर उसको छोड़ दिया, छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था, नहीं। जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है, न पसीना आता है, न ही और कोई मल मूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम उस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः और बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियाँ सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी, संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत कान के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए, हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियाँ तो हो चुकी थी,
तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलना था नहीं, तो हो गए थे पूरे, पूरे हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं, एक आध भूली और रख रखी थी, भूलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत 11,00,000 से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियाँ तैयार हो सकती है। अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया, देखो हमारा मन कर रहा है कि यह खारो पानी में पूरे पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए, यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखिए ये क्या होता है, तो होता वही है जिस भाग्य का, जिस क्षेत्र का रहता है वो बुलाता है, सबको बुलाता है, और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले तो बोली में त्याग कर रहे थे, वो तो लेने के लिए कर रहे थे, अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे स्वागत है। नहीं, उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैन जैनेतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं, और कम से कम भी हजारों के संख्या में वह एक प्रकार से निष्प्रज्ञ क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्म तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है? आप हूँ तो बना ही दोगे, वहाँ पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोठी में आ जाते हैं। इसको देख कर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है, जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो, 360 एक प्रकार से 370 हाँ विधेय इत्यादि जो है
संख्या होते, इतने समोसरण होते हैं, प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है। संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा है, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो कि निराकार बनना चाहते हो? निराकार। अच्छा, सारे सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं, विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, किसी ने एक नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन हैं? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है, इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ, अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ। ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है। सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली, हमें भी मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट होकर के चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि के अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, दो मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे, तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे पहले हवा दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यूं चला जाता था। इसलिए वो इतने दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यूं बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं। हाँ ठीक है भैया। इस प्रकार यह है, प्रतिदिन तीन तीन चार चार बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रवण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।